नाम बताओ और कौन से स्कूल का नाम भी बताओ। हाँ। मेरा नाम सबिता देवी है, मैं GHS जैकरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास 10। क्लास 10 में। आज कौन कौन सा इवेंट यहाँ पे स्कूल में हुआ आपके? ये क्विज कंपटीशन हुआ जो कि 1st to 5th तक था, और रंगोली कंपटीशन भी हुआ जिसमें हमारे हाउस ने 2nd पोजीशन पाई। जी, हाउस का नाम क्या है? विजडम हाउस। विजडम हाउस ने रंगोली में कौन सी सेकंड पोजीशन। और क्लास? मेरा नाम परीक्षा देवी है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आपका हाउस कौन सा है? वेलबीइंग हाउस। और आज आपका जो मेडल लगा हुआ किस क्यों लगा हुआ है? हम रंगोली कंपटीशन में फर्स्ट आए। रंगोली कंपटीशन हुआ और उसमें आपकी फर्स्ट पोजीशन आए हैं, तो अभी आप दिखाएंगे हमको अपनी रंगोली। हाँ जी सर। पेंटिंग कंपटीशन जो हुआ था कौन सी क्लास का हुआ था? 1st to 5th हुआ था पेंटिंग कंपटीशन और आपको आया फर्स्ट पोजीशन है। क्या बनाया था आपने? वाटर साइकिल बनाया था। बहुत बढ़िया। बहुत सारे राज्य हैं जो नॉर्थ इंडिया में, कोई एक स्टेट का नाम बताओ जो नॉर्थ इंडिया में, यूपी या कोई स्टेट जो नॉर्थ इंडिया में फॉल करती है। खड़े उठ के बताओ ना। जम्मू एंड कश्मीर। ये यूटी है स्टेट? यूटी। यूटी, बहुत बढ़िया। प्रश्न है, हमारे ईस्ट इंडिया में से कोई भी एक स्टेट का नाम बताओ। मणिपुर राइट आंसर। केरला। केरला इज द राइट आंसर। दूसरा राउंड, दूसरे राउंड में हम प्रश्न शुरू करेंगे। तो मुझे आप बताइए कि हमारे हिंदुस्तान की कोई दो पड़ोसी मुल्क, जो हमारा हिंदुस्तान है, कोई दो पड़ोसी मुल्कों के नाम बताओ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान, राइट आंसर। पीस हाउस से प्रश्न है कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है उसकी कोई टोटल कितनी तहसीलें? 11 इज द राइट आंसर। नाम बताओ जो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में फॉल करती है। दक्षिण मुगल मैदान छात्रू। दक्षिण मुगल मैदान छात्रू इज द राइट आंसर है। कि आप मुझे बताओ कि मुगल मैदान का तहसीलदार कौन है? मिस्टर नईम इकबाल शेख। नईम इकबाल शेख इज द राइट। हम इसको सबसे पहले बजाएंगे, तो आप प्लीज इस साउंड को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले इसके लिए, इसको बजाने के लिए सबसे पहले हमने किया है क्या है, आप लोग देख लीजिएगा। हमने लिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 ग्लासेस लिए हमने। सबसे पहले हमने पहले वाले में भर के पानी डाला है, उसके दूसरा ग्लास है उसमें थोड़ा सा उससे कम, उससे तीसरा उससे थोड़ा सा कम, चौथा उससे थोड़ा सा कम, ऐसे करके आपको सारे ग्लासेस में पानी डालना है। तो जब हमने इसमें पानी डाल दिया, अब हम इसको बजा के देखते हैं, इसमें क्या होता है। वैसे तो हमें पता है कि क्या होगा, बट हम आप सबको दिखाना चाहते हैं होता क्या है इससे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे बजाना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट से लेकर एंड तक इसको बजाएंगे। मैं सुननी होगी, अब हम फिर से ट्राई करते हैं। अब एक बार और दिखाते हैं आपको। I was founded in November 1946 under the Constituent Assembly headed by Dr. Rajendra Prasad. I was drafted by 1950, and these are my 6 fundamental rights. जो भी कमियां हैं वो हम में हैं, माँ बाप में, माँ बाप की कमियां हैं जिनको पूरा करने की ज़रूरत थी ताकि उनके बच्चे आगे बढ़ पाते, ताकि उनके बच्चे जो है जिस किस्म की उनको तालीम मिल रही है, जिस किस्म की उनको यहाँ पे तालीम दे रहे हैं बहुत ही अच्छी है। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसके अलावा किसी और जगह पे या किसी प्राइवेट सेक्टर में जाके उनको इस किस्म की तालीम मिलेगी। मैं ये बिल्कुल कतई नहीं मानता हूँ। अगर कमियां हैं तो हम में हैं, त्रुटियां हैं तो हम में हैं, उन कमियों को दूर करना चाहिए। मेरी इस मंच से अपील रहेगी, निवेदन रहेगी सभी लोगों से, जितने भी पेरेंट्स हैं उन सभी से मेरी ये निवेदन रहेगी कि खुदारा बदलिए अपने आप को। सारा सिस्टम बदल रहा है, डिजिटल सिस्टम हो रहा है, डिजिटल इंडिया के आज के इस दौर में भी अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो बाद में हमारे बच्चे जो हैं फिर बेकार हो जाएंगे, उनको उस किस्म की जो तालीमी मैं
आपको हर एक सुविधा मिल रही है और इस सुविधा का आपने फायदा उठाना है, बाकी कहीं कोई भी कमी। ये बच्चियाँ बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति इनकी भी रही, जो पीछे भी प्रस्तुतियाँ बहुत बढ़िया थी। तो 15 से 26 तक हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में कार्यक्रम चल रहा है जिसको नाम दिया गया बैक टू विलेज, जो 27 से शुरू होना है, जहां पर ऑफिसर जो होंगे कंसर्न्ड वो अपने पंचायत में आएंगे और अपने कामों का जायज़ा लेंगे पूरे साल में जो हुआ है। लेकिन तब प्री आज का जो कार्यक्रम है वो ये प्री बैक टू विलेज 4 है, चौथे साल में बैक टू विलेज चल रहा है। तो अपने जम्मू कश्मीर उन्होंने पूरा एक, ये बच्चे किसी लायक बने, ये बच्चों की हालत सुधरे, बच्चों की हालत सुधरेगी तो अपने गांव सारे सुधरेंगे, अपना देश सुधरेगा, अपना देश आगे बढ़ेगा। तो इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे मैं बोलता हूँ, पहले भी बोला के तहत बड़ी स्कीमें हैं, उसके बारे में जानकारी आपको जगह जगह मिलेगी कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्कीमें गरीबों के लिए बनाई हैं।